फाइनली हम वेडिंग पॉइंट के बाहर पहुंच गए हैं। अभी बज रहा है शाम का 6 और बारात पहुंची है पूरी 6 बजे, तो काफी ज्यादा लेट हो गए हम। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे होम टाउन बड़कोट से। अभी बज रहा है सुबह का 8:30 और मुझे होना है दोस्तों अभी रेडी, क्योंकि आज है दोस्त की शादी। तो दोस्त की शादी में निकलना है दोस्तों, तो चलिए फटाफट से पहले रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आपको मिलता हूँ दोस्तों। दोस्तों, दूल्हा हमारा तैयार हो चुका है और ये रहा सामने हमारा दूल्हा। कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी चल रहा है माला डालने का काम। ये जो माला डालने का जो काम है दोस्तों, ये हमारे पहाड़ी कल्चर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और रही दूल्हे की गाड़ी और इसको भी डेकोरेट कर दिया है, बस अब निकलने की बारी है। दूल्हे का वेट हो रहा है, दूल्हा जा रखा है अभी मंदिर में और हम सब लोग अभी रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं रेडी हो चुका हूं, बस अब निकल रहे हैं दोस्तों देहरादून के लिए। जो बराती हैं वो अभी आ रहे हैं धीरे धीरे और जो दूल्हा है वो जा रखा है अभी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो बस अब निकलते हैं, रेडी सब हो गए हैं, सब लोग ग्राउंड पे आ चुके हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रही दोस्तों गाड़ियाँ हमारी यहाँ पे लगी हुई है, कुछ गाड़ियाँ इस साइड में लगी हुई है हमारी। बस अब अपने प्यारे से होम टाउन को अभी बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है, बस बारात किसी भी टाइम आने वाली है। तो ये रहा हमारा प्यारा होम टाउन दोस्तों, और कितना प्यारा लगता है। तो बस दोस्तों, देहरादून के लिए निकलते हैं अब, बारात भी आ चुकी है। तो प्रथम भाई, कब कर रहे हो तो शादी? इधर देख के बोलो, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कब कर रहे हो शादी। साल के लास्ट तक मेरी शादी भी हो जाएगी। तो भाभी जी ढूंढ लिया मतलब? हाँ, भाभी जी मिल गई। तो दोस्तों, इसकी शादी का ब्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, सारी गाड़ियों में जो बराती हैं, जो देहरादून चलने वाले हैं, सब बैठ चुके हैं। आप देख सकते हो वहाँ से लेके ये आगे तक, ये सब हमारे साथ बराती है देहरादून के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपको डायरेक्ट अब देहरादून में। अभी पहुंच गए दोस्तों हम गंगनानी में, और ये बर्दीघाट के पास पड़ता है, और ये नेचुरल पानी है, पहाड़ों का नेचुरल पानी। तो हमने भी भर लिया है, ये पहाड़ों का बिस्लरी। तो और ये हमारी गाड़ी, चलते हैं अब।
गाइस अभी पहुंचे हैं हम 6 नंबर पुलिया, देहरादून तो हम पहुंच गए हैं। देहरादून में अभी हम 6 नंबर पुलिया पे पहुंचे हैं। बस अब थोड़ी सी दूरी रही है वेडिंग पॉइंट पे पहुंचने की, बारात अभी आई नहीं है, तो पहले यहाँ पे हमें कुछ सामान लेना है, वो सामान लेते हैं फिर निकलते हैं वेडिंग पॉइंट की तरफ। तो देहरादून हम पहुंच चुके हैं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये पहले बीच वाली सीट पे बैठा हुआ था, फिर इसको हमने पीछे वाली सीट पे बिठाया और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये बोल रहा है कि मैं डांस नहीं करूंगा। आप तो फाइनली दोस्तों हमारा टोकरा तैयार हो गया है। और बिल कितने का बना भाई? तो दोस्तों फाइनली हम वेडिंग पॉइंट के बाहर पहुंच गए हैं। अभी बज रहा है शाम का 6 और बारात पहुंची है पूरी 6 बजे, तो काफी ज्यादा लेट हो गए हम। और यहाँ पे कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है दोस्तों, 5 घंटे का सफर हम तय करके आए हैं। बहुत ज्यादा थकान भी लग रही है, चेहरे आप देख सकते हैं, सुबह के चेहरे और अभी के चेहरे दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा होगा आपको। तो अभी हम कर रहे हैं बाकी लोगों का वेट, जैसे ही बाकी लोग आते हैं फिर बारात लेके हम जाएंगे भाभी जी को लेने। तो सब उतर चुके हैं गाड़ी से और रेडी भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट हम सबका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। A few moments later, दूल्हा हमारा पहुंच चुका है काफी देर बाद वेट करके, और बग्गी भी रेडी है, ठीक है यार। और कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ लोग आने बाकी हैं अभी।